शुरू करें क्या हुआ पीछे काहे दुखी हो? हम ये बात कर रहे हैं, आराम से करो। विजय तू काहे सीरियस हो? कोई बात अरे भाई दिनेश जी कार्यक्रम हम सुनिए, उनके भैया की डेथ हो गई। भैया दिनेश भैया उनके भैया की डेथ हो गई है। मेरी बात तो सुनो, उनके भैया की डेथ हो गई है, उनके सगे भाई की डेथ हो गई, आज ही कल रात में डेथ हुई भी क्रेमेशन चल। हम गणेश जी का मंत्र पढ़ दें क्यों? नहीं दिनेश जी बोले तो हमने पहले निर्विघ्न के लिए बोल दें। क्या हुआ राजकुमार जी, प्रारंभ करें? आप लोग रेडी आज तैयार हो जाना, तो उठा उठाना। सभी पत्रकार मित्रों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पुनः सरकार बनने पर 100 दिन के जो कार्यकाल की उपलब्धियां हैं उनको बहुत प्रमुखता से पिछले दिनों प्रकाशित किया है। आज स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के जो 100 दिन की उपलब्धियां हैं, जो लक्ष्य हमने तय किए थे उनको लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। 100 दिन के पहले जब हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किए थे सरकार बनने के बाद, तो सबसे बड़ा लक्ष्य हमारे सामने था कि हमारे प्रदेश में जो संचारी रोग की बीमारियां हैं या विभिन्न जो डिजीज हैं उनके लिए अच्छी प्रयोगशाला हमारे पास नहीं थी। उसके लिए भारत सरकार ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की एक शाखा लखनऊ में खोले जाने का निर्णय लिया है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज की खास बात यह है कि वो सभी प्रदेशों में शाखाएं नहीं खोलते हैं, 5-6 राज्यों के बीच में एक शाखा होती, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो डिजीज कंट्रोल के लिए एक प्रयोगशाला बनाते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को इसके लिए चुना है। हमें जो विभिन्न संचारी रोग है, विभिन्न डिजीज के जो रोग है उनको रोकथाम करने में, उनको उपचार करने में बड़ी सहायता मिलेगी। इसके लिए लखनऊ में जमीन चिन्हित कर ली गई है और भारत सरकार के NCDC को जमीन स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है, यानी MOU साइन करके जमीन हमने उनको स्थानांतरित कर दी है। और मुझे इस बात को बताने में प्रसन्नता है, शीघ्र प्रयोगशाला का निर्माण के लिए शिलान्यास होगा, जुलाई के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित किया गया है। जैसे ही तिथि निर्धारित हो जाएगी हम पुनः आपके बीच में आएंगे, लेकिन जुलाई के अंतिम सप्ताह में NCDC का सेंटर की जो प्रयोगशाला है वो जैतीखेड़ा सरोजिनी नगर में बनना तय हो गया है। दूसरा सबसे बड़े महत्वपूर्ण सवाल, पूरे प्रदेश के राज्य कर्मचारी इस बात के लिए समय समय पर मांग करते थे कि कैशलेस चिकित्सा का सुविधा का लाभ उन्हें भी मिलना चाहिए। इसके लिए हमारे विभाग ने तय किया कि उनका हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, उसको आयुष्मान भारत योजना के सॉफ्टवेयर से संबंध हम लोग करेंगे और जिससे अब उनको नगद भुगतान की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, उनको कैशलेस इलाज मिल सकेगा। और ये स्वीकृत हो गया है और शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इसका हम लोग शुभारंभ कराएंगे। लेकिन ये पत्रावली पर स्वीकृत हो गया है और पूरी तरह से कंप्लीट है, किसी भी दिन इस योजना को हम लोग प्रारंभ करेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने जो एम्बुलेंसें चलती हैं, बड़ी संख्या में एम्बुलेंसें हमारे पास हैं जिनको 108 के माध्यम से हम संचालित करते हैं, लेकिन उसमें कई एम्बुलेंसें ऐसी हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं है,
यानी वो चलने की स्थिति में नहीं है। ऐसी 812 एम्बुलेंसेज को हम चेंज कर रहे हैं, उनको हमने संबंधित जो कार्यदायी संस्था है जीवीके उसको हमने सौंप दिया है, जिससे जो पुरानी एम्बुलेंसेज है उनके स्थान पर नई एम्बुलेंसेज हम चलाएंगे और उनको हमने सौंप दिया है। पुरानी एम्बुलेंसेज वापस आएंगी, उनको स्क्रैप हम लोग करेंगे। चौथा सबसे बड़ा विषय हमने तय किया था, उच्च जोखिम समूह को एचआईवी रोकथाम हेतु सेवाओं की उपलब्धता। उच्च जोखिम समूह को एचआईवी रोकथाम हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के संबंध में 6 जनपद प्रयागराज, सोनभद्र, गाजियाबाद, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, आजमगढ़ में एनजीओ के माध्यम से हम लोग काम करेंगे। इसमें एनजीओ का चयन कर लिया गया है। उक्त चयनित संस्थाओं के साथ सक्षम स्तर से अनुमोदन के पश्चात 2022-23 में कार्य किए जाने की अनुबंध की कार्रवाई पूर्ण करा ली गई है। इस पर 1,19,93,926 की धनराशि का व्यय आएगा। हम जानते हैं कि जो एचआईवी है बहुत ही घातक रोग है, कैंसर की तरह ही घातक, कैंसर से अधिक घातक है। इसके लिए हमारे विभाग ने, हमारी सरकार ने एहतियात बरतने के लिए कदम उठाया है। हम इसमें काउंसिलिंग में करेंगे, बीमारों की चिन्हित भी करेंगे, उनका इलाज भी मैक्सिमम जो उच्च स्तरीय हो सकता है अपने देश में सब उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा अभी तक आप देखते थे कि विभिन्न चिकित्सालय जो हमारे प्रदेश में बने हैं हमने सैंक्शन कर दिया, लेकिन जमीन की उपलब्धता आबादी के बीच में नहीं हो पाती थी। उसके कारण जब हमें सरकारी जमीन लेना होता तो वो जमीन आबादी के बाहर मिलती थी, यानी ऐसी जगह मिलती थी जहां पर आवागमन आसान रूप से नहीं, आबादी के बीच में नहीं होती थी। अस्पताल बन गया आबादी से 5 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, मरीज वहां कैसे जाएगा, किसी को इमरजेंसी की आवश्यकता है गांव में कैसे जाएगा। तो हमारे विभाग ने तय किया है ऐसे सभी अस्पताल अब जो आबादी है उसके साथ बनेंगे, उसके बीच में बनेंगे या उसे सटाकर बनाएंगे। पहले जो निःशुल्क जमीन का था, निःशुल्क जमीन के कारण हम लोग ऐसा करते थे, लेकिन जो भूमि के अतिरिक्त जो बिल्डिंग है, जो उपकरण है, जो हमारी चिकित्सीय व्यवस्था पर खर्च होगा वो उतना उपयोग में नहीं आ पाता था जो आबादी से दूर अस्पताल बनते थे। अब हम आबादी के बीच में, आबादी से सटा करके अस्पताल बनाएंगे और उसके लिए जमीन हम आप खरीदेंगे। अगर सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा पाती है, यानी ग्राम समाज या नगर पालिका या नगर निगम हमें जमीन नहीं दे पाता है, तो हम इस जमीन प्राइवेट पार्टी से भी खरीद करके आबादी के बीच में, आबादी से सटे अब हम अस्पताल बनाएंगे। इसके लिए कैबिनेट से प्रस्ताव हमने पास करा लिया है। इसके अलावा एक लक्ष्य तय किया था, जो निर्माणाधीन अस्पताल है उनको हमने कैसे शीघ्र जनता को समर्पित कर सकते हैं, उसके लिए 100 बेड का एक नया अस्पताल जयसिंहपुर सुल्तानपुर में हमने कंप्लीट करा लिया है, उसका भी लोकार्पण शीघ्र होगा। इसके अलावा एचआईवी के लिए 21 नए एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्र हमने खोले हैं, जिसको ICTC भी बोलते हैं हम लोग, और इनकी 21 तो हमारे काम करने की स्थिति में है, 6 नए केंद्र हम लोग पूर्ण कर रहे हैं और इसके 6 की जो स्थिति है वो लगभग प्रक्रियाधीन है, लगभग अंतिम चरण में इसको हम शीघ्र पूरा करेंगे। इसके अलावा 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांदा, गोरखपुर, हरदोई एवं लखनऊ में हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को देवरिया सीतापुर लखीमपुर में भी लोकार्पण हम करेंगे। इसके अलावा 3 जो है, जो 4 हमने ऊपर बताए हैं, इसमें 3 हमारे जो है वो कार्य पूर्ण हो गए हैं और गोरखपुर में चिकित्सा अधिकारियों के आवास केवल नहीं बन पाए, कार्य प्रगत पर है, लेकिन जो चिकित्सालय उसका काम पूर्ण हो गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण पूर्ण कर दिया है। झांझर बुलंदशहर के संयोजन की विद्युत का कनेक्शन नहीं हो पाया है, बाकी कार्रवाई पूरी हो गई है। 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे कंप्लीट है, केवल 1 जगह बिजली का कनेक्शन शेष रहेगा, वो भी प्रक्रियाधीन है। देवगांव अयोध्या स्थित 50 सैया अस्पताल का लोकार्पण शीघ्र हम लोग करने जा रहे हैं, केवल वहां पर बिजली और सैनिटरी की फिटिंग्स लगना बाकी है और बाकी काम लगभग पूरा हो गया है। जो अप्रोच रोड है वो भी शेष है, शीघ्र पूरा हो जाने पर हम इसको कंप्लीट करेंगे।
इसके साथ ही साथ जो जो हमारा लक्ष्य 100 दिन का था उसको हमने 100% पूरा किया है। इसके अतिरिक्त जो चिकित्सा विभाग है इसने लक्ष्यों के अतिरिक्त भी काम किया है। लक्ष्य के अतिरिक्त लक्ष्य तो ये हमारा डेवलपमेंट को लेकर था, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर था। हमारा लक्ष्य पूरे प्रदेश में जो भी पीड़ित मरीज है वो हमारे लिए भगवान है, हम उनकी सेवा भगवान की तरह करेंगे अस्पताल परिसरों में। उसके लिए हमने पूरे प्रदेश में जितने हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, CHCs हैं, हमने अस्पताल के मरीजों की सूची प्रतिदिन मंगाना प्रारंभ किया है। हमारे पास लगभग 1.5 लाख मरीज प्रतिदिन आते हैं, उसमें से लगभग 15,000 मरीज जो होते हैं दुर्घटना के शिकार होते हैं, या छत से गिर गए, या कहीं गिरकर चोट लगी, या एक्सीडेंट वाहन से हो गया, या अन्य कारणों से दुर्घटना के शिकार होते हैं, ट्रामा के मरीज होते हैं। ऐसे ही लगभग 10 से 15 हज़ार मरीज हमारे पास गंभीर रोगों के आते हैं, जैसे हार्ट अटैक के, या ब्रेन हेमरेज के, या किडनी लीवर के, या अन्य रोगों के गंभीर मरीज आते हैं। इसके साथ ही साथ प्रतिदिन 5,000 के लगभग हम ऑपरेशन करते हैं। ऐसे सभी मरीजों का हालचाल हम लोग सीधा लेते हैं और ऐसे मरीजों से बात करते हैं रैंडमली। किसी भी 5 जनपद को हम रोज चुनते हैं और प्रति जनपद 2 मरीजों से बात करते हैं, उनका हालचाल लेते हैं, और मरीज जो कि सूचना के आधार पर संबंधित जनपदों में उनको हम धन्यवाद भी करते हैं, उनका आभार भी प्रकट करते हैं अपने चिकित्सकों का, और जहां कहीं त्रुटियां होती उनको सुधार करने के लिए भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा मानना है कि उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था अबाध रूप से लोगों को मिलती रहे, तो हमारे जो चिकित्सालय है, जो हमारा स्टाफ है, हमारे चिकित्सक है, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, सभी लोग तन्मयता से कार्य में जुटे हैं, 100% हाजिरी हो रही है। जो भी छुट्टी लेगा पहले से सूचना देगा, आकस्मिक कार्यों को छोड़ करके कोई दिक्कत नहीं, सब लोग अस्पताल में आ रहे हैं। वैक्सीनेशन के मामले में हम लगभग 100% पे हैं, जो बच्चों का वैक्सीनेशन है वो भी 70% से ऊपर, 74% हम लगभग बता रहे थे, कल मुझे मैंने पढ़ा था कि उससे अधिक हम लोग कर लिए हैं। फर्स्ट डोज हमारी 97.4% पहुंच गई है, और जो ये 14 साल से नीचे बच्चों का है ना, 12 से 14 वालों को 73.7% पर हम पहुंच गए, यानी सेकेंड डोज, यानी वैक्सीनेशन में भी हमारा विभाग अच्छा काम कर रहा है। कोरोना का प्रकोप हमारे उत्तर प्रदेश को टच नहीं कर पाया, इसलिए मैं बहुत बहुत आभार अपने चिकित्सा अधिकारियों का, पैरामेडिकल स्टाफ का, पूरी व्यवस्था से जुड़े अपने सहयोगियों का करता हूँ। और इसके साथ ही साथ जो चिकित्सा शिक्षा विभाग है उसके बारे में भी आपको जानकारी देना चाहूंगा। हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया था कि सभी जनपदों में 1 जनपद 1 मेडिकल कॉलेज योजना को हम लागू करेंगे। हमारे पास 16 जनपद ऐसे बचे थे जहां पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया था, पत्रावली का भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया था। तो ऐसे 2 जनपदों में हमने इन 100 दिनों में PPP मोड पर तय कर दिया है। इसके अलावा जो 14 जनपद बचे हैं उन पर भी प्रक्रिया चालू है, शीघ्र ही हम आपके समक्ष आएंगे। 16 ऐसे भी जनपद हैं यथा बागपत, बलिया, भदोही, चित्रकूट, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, रामपुर, संभल, संत कबीर नगर, शामली तथा श्रावस्ती। इसमें हमने महाराजगंज और संभल में PPP मोड पर MOU कर लिया, काम शुरू हो गया, शेष 14 के शीघ्र आपके बीच में आएंगे। इसके अलावा MBBS की पाठ्यक्रम की सीटों में 600 की वृद्धि हमने की है। हम सब जानते हैं कि जो हमारे चिकित्सक हैं उत्तर प्रदेश में आबादी के लिहाज से उपलब्ध नहीं है, हम अपने मेडिकल कॉलेजों में लगातार इनकी MBBS की सीटें बढ़ा रहे हैं, और इसके लिए विभिन्न कॉलेज संस्थानों में MBBS पाठ्यक्रम की कुल 1350 सीटें बढ़ाई गई हैं, जिसमें 900 सीटें राजकीय क्षेत्र में तथा 450 सीटें निजी क्षेत्र में बढ़ाई गई हैं। PG पाठ्यक्रमों की सीटों में हमने 725 सीटें बढ़ाई हैं, जिसमें विभिन्न मेडिकल कॉलेज संस्थानों में 573 MDMS तथा 152 DNB अर्थात कुल 725 PG सीटों की हमने वृद्धि की है। नर्सिंग पाठकों की सीटों में 2400 की वृद्धि किया जाना, जो हमारी नर्सिंग स्टाफ है उनकी भी बड़ी संख्या में कमी है, तो हम वहाँ भी सीटें बढ़ा रहे हैं। इसमें निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष विभिन्न नर्सिंग संस्थानों में संचालित नर्सिंग पाठकों में कुल 7000 सीटों की वृद्धि हुई है। कुल 7000 नर्सिंग की सीटें हम लोगों ने प्रदेश में इन 100 दिनों में बढ़ाई है। पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि किया जाना, निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेज संस्थानों में पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की सीटों में 2000 की वृद्धि हमने की है।
विभाग के अंतर्गत कम से कम 5000 पदों पर रोजगार का सृजन किया जाना, निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेज संस्थानों में कुल 36171 पदों का सृजन किया जा चुका है। विभिन्न मेडिकल कॉलेज संस्थानों में 36171 पदों का सृजन इन 100 दिनों में किया है, और जिनके सापेक्ष 3007 पदों पर भर्ती की कार्रवाई पूर्ण करा ली गई है, शेष पदों पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा प्रदेश के 41 राजकीय मेडिकल कॉलेज चिकित्सा संस्थानों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है, जिसके उपरांत लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की भंडारण क्षमता 420 किलोलीटर की वृद्धि हो जाएगी। प्रदेश के समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेज चिकित्सा संस्थानों में मरीजों की सुविधा हेतु पारदर्शिता हेतु हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश के 13 राजकीय नर्सिंग कॉलेज फेज 1, 5 स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में कुल 1037 पदों का सृजन किया जा रहा है। पूर्व में बीएससी नर्सिंग कोर्स मात्र राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ, कॉलेज ऑफ नर्सिंग कानपुर और राजकीय पैरामेडिकल कॉलेज झांसी में संचालित था। वर्तमान शैक्षणिक राजकीय मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज व कन्नौज में बीएससी नर्सिंग कोर्स प्रारंभ कर दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त 11 अन्य राजकीय मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कोर्स प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। राजकीय मेडिकल कॉलेज आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, कन्नौज, कॉलेज ऑफ नर्सिंग कानपुर तथा राजकीय पैरामेडिकल कॉलेज में झांसी में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु शैक्षणिक संवर्ग के 14 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्त कर दी गई है। उक्त के अतिरिक्त शैक्षणिक संवर्ग के 122 पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। ये सब चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण के बारे में हमने 100 दिन की कार्रवाई आपके समक्ष प्रस्तुत की है। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।